दोस्तों नमस्कार। डीजल हुआ पेट्रोल के पार, अब की बार समझ गए ना। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार समझ गए आप। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर उनके पांव में छाले, उनके नौनिहाल रोड पे रोते हुए भूखे प्यासे पेट, रोड पे एक्सीडेंट में उनका मर जाना, ट्रेन के नीचे आके मजदूरों, प्रवासी मजदूर जब जा रहे थे लॉकडाउन के दरमियान तो उनकी जानें चली गई। लेकिन आपको आज ये जानना पड़ेगा कि सिर्फ 90 दिन का फ्रॉड अगर यहाँ पे रुक जाता तो 1000 ट्रेन प्रवासी मजदूर जो यहाँ से पैदल गए, किन्हीं के पाँव में छाले, किन्हीं के बच्चे रोते बिलखते, कितने अपने घर नहीं पहुँच पाए, कितनों की जान चली गई, उसमें से 1000 ट्रेनें चलाई जा सकती थी, वो भी फ्री में, अगर सिर्फ 90 दिनों का फ्रॉड अगर रुक जाता तो। अगर पूरे 2 साल का फ्रॉड रुक जाता तो कितने मजदूर फ्री में पहुंच सकते थे, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। एक ट्रेन चलाने की कीमत मैंने मोटा मोटा एवरेज निकाला, अगर दिल्ली से पटना चलती है तो 8 से 8.5 लाख रुपए की वो सवारी लेके चलती है। मैंने 10 लाख रुपए एक एवरेज लगाया है एक ट्रेन अगर दिल्ली से पटना के लिए चलाई जाती है तो अब ये फिगर आप अपने जेहन में जरूर रखिएगा कि अगर 100 ट्रेन चलाई जाती तो 10 करोड़ रुपए के खर्चे आते, और अगर 1000 ट्रेन चलाई जाती तो 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता। लेकिन मजदूर रोते बिलखते पांव में छाले, कुछ घर पहुंचे, कुछ पहुंच भी ना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब श्रमिक ट्रेनें चलाई गई तो उनसे पैसा वसूला गया। 90 दिन का फ्रॉड अगर भारत में रुक जाता, जो बैंक फ्रॉड हुए 90 दिनों में, जरा उसको आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से लूट होता है और वहीं पे गरीब का क्या हाल होता है। इस लॉकडाउन ने, इस महामारी ने उस पर से पूरा मुखौटा हटा के रख दिया है। ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू 90 दिनों में 128 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। RBI के ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के दिसंबर 31 2019 तक सिर्फ 90 दिनों में 128 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ, जो फ्रॉड सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग की फ्रॉड की बात कर रहा हूं। सिर्फ ये तो बहुत छोटे से फ्रॉड का बात कर रहा हूं, 128 करोड़ रुपए का फ्रॉड सिर्फ 90 दिनों में। ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग का फ्रॉड तीनों को जोड़ ले तो हर मिनट 6 फ्रॉड हो रहे थे इन 90 दिनों में, हर मिनट 6 फ्रॉड। और इन्हीं 90 दिनों में टोटल 21,000 से ज्यादा फ्रॉड हुए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के। RBI के डेटा के मुताबिक इन 90 दिनों में, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक डेबिट कार्ड फ्रॉड 11,058 फ्रॉड 94.5 करोड़ रुपए के, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड 6,117 फ्रॉड 19.7 करोड़ रुपए के और नेट बैंकिंग फ्रॉड 3,866 फ्रॉड 13.6 करोड़ रुपए के। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से दिसंबर 31 2019 तक अब तक टोटल 230 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। वहीं पे पिछले 2 सालों में, यानी कि 2017-18, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में कुल मिला के 318 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, और अब 2019-20 में भी इसको जोड़ देंगे जो रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक, तो टोटल 547 करोड़ रुपए के फ्रॉड डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, सिर्फ इनके फ्रॉड 547 करोड़ रुपए के हुए अभी तक। दोस्तों मैं भी चौकीदार, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मजदूर पैदल रोड पे चले, उनके उनसे टिकट का पैसा वसूला गया, उनके पांव में छाले, कोई घर नहीं पहुंच पाया, वहीं पे इन फ्रॉड्स, ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये तो बहुत छोटा फ्रॉड बताया है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और कहां कहां फ्रॉड हो रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया था बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर। आप NPO को छोड़ दीजिए, बैड लोन्स को छोड़ दीजिए, धन्ना सेठों को लोन माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे मजदूर की जब बारी आई, 70-73 सालों में एक मौका ऐसा आया कि जिस महामारी की वजह से मजदूर, उनको जरूरत थी सरकार की, तब सरकार ने आंखें बंद कर ली थी, उनके तड़पते हुए बच्चे, उनके पांव में छाले, कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए। तो जो वो कहते थे और जो ये कहते हैं और जो अपने पीछे लिखते थे मैं भी चौकीदार, वो चौकीदार कहाँ हैं आज के डेट में। तो दोस्तों ये हाल है कि अगर हम
तीन महीने की फ्रॉड की बात करें जिसकी मैं बात कर रहा था, 128 करोड़ रुपए, उसके अंदर ही करीब करीब 1000 ट्रेनें चलाई जा सकती थी जिसके अंदर 10 लाख मजदूर घर पहुंच सकते थे। और जब ये 547 करोड़ का फ्रॉड आप जोड़ देंगे तो करोड़ों मजदूर घर पहुंच सकते थे बिना पैसे के। मैं भी चौकीदार, नमस्कार।